अजरम अविनाशी है, लेकिन ये आंखों के नीचे नीचे आकर जो ये काल का देश है इसके मनमोहक दृश्यों में फंस जाता है, इस संसार की आकर्षण में और आसक्ति में ये जीव फंस जाता है और ये समझ बैठता है कि ये मेरा सारा साम्राज्य और ये हमेशा रहने वाला है। बस सबसे बड़ी अज्ञानता जीव की यही है, यही सबसे बड़ी इग्नोरेंस है, ना समझिए। तो सदगुरु भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि थोथी काया थोथी माया, ये काया थोथी है, एक दिन जरूर जाएगी, इसका रूपांतरण जरूर होगा, इसका रूपांतरण साध संगत जी जरूर होगा। और रूपांतरण होगा लेकिन आत्म तत्व का रूपांतरण नहीं होगा, आत्म तत्व जो का तो रहेगा। तो एक पंच भौतिक जो काया है नश्वर है, ये धोती है, काया भी धोती है जिसके ऊपर जीव इतना भी मान करता है। तो ये काया धोती है और धोती माया, माया भी धोती है, और ये जो पैसा लेने देने में आता है जो दुनिया के हमारे काम काज करता है यही माया, माया नहीं है, अज्ञानता बस जीव इसी को समझ बैठता है कि यही माया है। ये तो माया का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा हिस्सा है। तो फिर माया का जो रूप है वो क्या है, त्रिगुणात्मक माया, त्रिगुणात्मक माया रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की माया। और ये तीनों गुण अपने आप में बरतते रहते हैं, अपने आप में बरतते रहते हैं, कभी रजोगुण हैवी हो गया और सतोगुण के नीचे दब गया, सतोगुण रजोगुण के नीचे दब गया, कभी सतोगुण हैवी हो गया तो सतोगुण के नीचे रजोगुण दब गया, कभी तमोगुण हैवी हो गया तो सतोगुण और रजोगुण दोनों इसके नीचे दब गए तमोगुण के नीचे। तो ये आप अपने आप में ये बदलते रहते हैं, ये गुण तीनों के तीन गुण बरतते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जैसा जैसा हमारा जो है वातावरण होता है, जैसी हमारी संगत होती है वहां पर वैसा ही गुण प्रकट हो जाता है। अब जैसे हम और आप ये परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ गुण ये है, तो माया है ये भी लेकिन ये श्रेष्ठ है सतोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शिव स्वामी और सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। तो ये तीनों के तीन प्रतीक है, रजोगुण ब्रह्मा का प्रतीक है, सतोगुण विष्णु का प्रतीक है और तमोगुण देव आदि देव भगवान शिव का प्रतीक है। ये त्रिगुणात्मक माया ये भी धोती बताई है, ये सब बदलने वाली है, सब परिवर्तनशील है। ये जो जो माया है त्रिगुणात्मक माया है, इतनी मनमोहक है, इतनी लुभावनी है, इतनी सुहावनी है, इतनी अट्रैक्टिव है, इतना इसमें आकर्षण है कि जो जीव है इसके अंदर आसक्त हो जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान होगा, जिसको ये बोध होगा, अपने अंशक होने का परमेश्वर का एहसास होगा कि मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहा, माई ऑल माइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी, मेरा परमपिता परमेश्वर, मेरा परमपिता परमेश्वर जिसका मैं बेटा हूँ, जिसका मैं हंस वंश हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी रक्षा सुरक्षा करता है, मेरी देख रेख करता है, मुझे संभाल कर रखता है, अपनी गोदी में बिठाकर प्यार से संभाल के रखता है और मुझे अपनी तरफ आने की जो प्रेरणा है वो देता रहता है, संतों महापुरुषों के साथ संगत के माध्यम से, शास्त्रों ग्रंथों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हमें प्रेरणा देता रहता है। ये सदगुरु का काम है, परमेश्वर ये स्वयं कर रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं करता रहता है, स्वयं करता। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद फिर भी अकड़ता है, अकड़ता भाव से रहता है, हमारे अंगसंग होते हुए भी असंग भाव से रहता है, असंगो हम असंगो हम असंगो हम, ना करतासी ना भुगतासी मुक्ते वासी सर्वदा। ये परम तत्व है, ये परम तत्व है जो हमेशा मुक्त रहता है। अगर संसार के अंदर कोई शुद्ध चीज है, विशुद्ध कोई चीज है, तो वह परम तत्व है और परम तत्व का जो अंश है वो हमारी आत्मा है,
विशुद्ध प्योर। तो अगर कहीं प्योरिटी और श्योरिटी है तो वो परमात्मा के अंदर है, हमारे आत्मा के अंदर है, हमारे असली स्वरूप के अंदर है, जो हमारा आत्म स्वरूप है और जो हमारा निज स्वरूप है, जो हमारा निज नाम है, जो हम वास्तव में है। सोया जो तीनों तरह की माया है ये भी धोती है। इस माया को छोड़कर मायापति से मिलना है, परमेश्वर से मिलना है। तो जब परमेश्वर की तरफ हम चलेंगे, परमेश्वर की तरफ नगर के ऊपर हम प्रशस्त करेंगे चलेंगे, तो ये माया कई रूपों में कई तरह से हमारे रास्ते में आएगी। लेकिन धन्य हो सतगुरु भगवान के शब्द में इतनी शक्ति है सत्संग जी कि ये माया रास्ता छोड़ देती है। अगर हम सतगुरु भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो फिर ये माया कुछ समय तक हमारे रास्ते में रुकावट बनती है, परीक्षाएं लेती है। लेकिन जब इसको ये हो जाता है कि ये साधक तो बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय वाला है, ये हठ ही है, ये योगी, ये हठ ही योगी है। क्योंकि जो योग हठ जो योग है, जो योग हठ है और बाल हठ है और तिर्या हठ है, ये तीनों के तीन हठे बड़ी जो है, ये बड़ी ऐसी हटे होती है कि जब अगर कोई तिरिया हटे, अगर तिरिया अपने अंदर हट करती है और कुछ ठान लेती है तो वो करके हटती है। बाल हट रहा है, अगर छोटा सा बच्चा है अपने मन में कुछ ठान लेता है, कुछ लेने की ठान लेता है, कुछ अपने माता पिता से लेने की ठान लेता है तो वो लेकर रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो योगी है, जो योगी है सत्संग जी, वो भी अपने परमेश्वर से, अपने परमपिता परमात्मा से जो भी लेने के लिए वो ठान लेता है, वो लेकर हटता है, वो लेकर हटता है। तो जो योग हट है, बाल हट है, क्रिया हट है, ये तीनों हटे हैं। तो तीनों के तीन जो हटे हैं, जब ये ठान लेते हैं तो वो करके रखते हैं। और जो योगी होता है, जो परमेश्वर का प्यारा होता है, सदगुरु का प्रिय होता है, वो अपना योग खुद कमाता है। जैसे जंगल में का जो राजा होता है, शेर जो होता है, उसकी एक आदत होती है सत्संग जी कि वो कभी भी किसी का मारा हुआ जो है भोजन नहीं करता, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं करता, वो खुद अपना शिकार खुद जो है जिंदा शिकार को खुद पकड़ता है और फिर उसके बाद में उसको अपना शिकार बनाता है। तो ठीक इसी प्रकार से योगी भी जो होता है, जो सतगुरु का प्यारा होता है, जो नाथ जी का प्यारा होता है, वो अपना योग खुद कमाता है। इधर उधर की उधारी ली गई बातें काम नहीं आती भक्ति मार्ग में, उधारी ली गई बातें काम नहीं आ सकती। अपना स्वयं का तजर्बा हो, स्वयं का एक्सपेरिमेंटेशन हो, स्वयं का अनुभव हो, स्वयं का तजर्बा हो, तब जाकर सत्संग जी हम वास्तविकता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो तीनों जो बातें हैं, धोती काया, धोती माया, ये सब माया धोती है। ये जो चाहिए जड़ माया है, ये जो धन संपदा है जिसके पीछे हर रोज कितने बड़े बड़े क्लह होते हैं, क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं, यहाँ तक किस माया के पीछे हत्याएं तक हो जाती हैं, तो कितनी प्रबल माया है ये। और ये तो सिर्फ पैसा पैसा ही माया नहीं, जैसे मैंने बताया जब त्रिगुणात्मक माया के पार जाओगे, जब त्रिगुणात्मक माया रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की माया से पार निकलोगे सत्संग जी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मेहनत करने की जरूरत है और समय बहुत थोड़ा है। ये श्वास घटता जा रहा है, श्वास श्वास घटता जा रहा है, और ये जो जीव है ये ऐसी नींद में सोया हुआ है, बेफिक्र होकर सोया हुआ, और ये सोच रहा है कि जो कुछ बस मेरे पास है ये सब कुछ मेरा है, मेरे साथ ही रहेगा। तो सदगुरु भगवान हम सब लोगों को सचेत करते हैं, हमें सत्संग जी ये बताते हैं कि ये जो माया है, सब कुछ माया है, जो दृश्य जो है नहीं, जो बादल की छाई जैसे बादल निकलता है और थोड़ी देर में दृश्य हो जाता है, आलोप हो जाता है, ऐसे ही ये माया है।
ये दिखती है लेकिन ये है नहीं है। ये परमेश्वर ने एक ओला है, ये सारी सृष्टि का एक पर्दा किया हुआ है, एक नकाब पहना हुआ है। और धन्य हो सतगुरु भगवान जिन्होंने ज्ञान की दृष्टि देकर, ये दिव्य ज्ञान की दृष्टि देकर आंखों के आगे का जो अज्ञान तक का पर्दा था वो दूर कर दिया और आमने सामने परमेश्वर का साक्षात्कार करा दिया। ये साकार है, ये निराकार है, ये बता दिया। ये अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, एज किस रहता है जो का तो यही हमारा असली स्वरूप है। ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर जिसकी तरफ है परम श्रद्धे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने पाणी में हमें संदेश दिया है, अपनी पावन पवित्र वाणी में हमें उपदेश दिया है कि थोती काया थोती माया थोथा हरि ने जन्म गवाया। बस सब चीजें जो जीव है वो इकट्ठी कर लेता है, सब कुछ दुनिया के अंदर कर लेता है, लेकिन थोथा हरि बिन जन्म गवाया। अगर परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में नहीं है, अगर तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता सदगुरु हमारे जीवन में नहीं है, अगर परमेश्वर की बंदगी खुदा की इबादत हमारे जीवन में नहीं है, अगर हमारा जो जीवन है वो ज्ञान से भरपूर नहीं है, विवेक से भरपूर नहीं है, सकारात्मक सोच से भरपूर नहीं है, तो फिर सत्संग जी सब कुछ मिथ्या है। हरि के बिन झूठे सगल पसारे, परमेश्वर के बिना सब कुछ झूठा है, सब कुछ पना होने वाला है। धोती काया धोती माया धोता हरि बिन जन्म गवाया, और ये जो अहिया सा जन्म, ये गोल्डन ऑफर